A very good morning, dear students. Today we are going to start class 6 English का एक नवा टॉपिक जोड़ा कि एक ऐसे या एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी के बारे. आज दी अपनी फेमस पर्सनैलिटी कौन है? सरोजनी नायडू, जिसनों कि इंडिया दे विच नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. उसनों पॉपुलरली इसी नाम तो जाने जाता है. नाइटिंगेल मतलब कोयल. इसनों भारत दी कोयल भी कहा जाता है. Sarojini was a poet and freedom fighter of India. She is popularly known as Nightingale of India. Sarojini कौन है? एक poet है ते नाल दी नाल एक की है, एक freedom fighter भी है. ठीक है, उसने इंडिया नू आज़ाद कराउण दे विच अपना योगदान दिता है. ते उसनू popularly केड़े नाम नाल जाने जांदा है? Nightingale of India. ठीक है, उसनू Nightingale of India भी कह के बुलाया जांदा है. She was born on 13 February 1879 in Hyderabad. Her father name was Aghornath Chattopadhyay. He was a famous scholar. Her mother name was Sundari Devi. She was famous Bengali poet. ठीक है, जिहड़ी सरोजनी नायडू आ उहदा जन्म कित्थे होया? हैदराबाद दे विच उहदा जन्म होया. किन्नी नूं? किन्नी तरीक नूं? 13 February 1879 नूं. ठीक है, जिहड़े उहदे फादर ने वो एक फेमस स्कॉलर ने. ठीक है, बहुत फेमस स्कॉलर ने गे. वो एक साइंस कॉलेज दे विच प्रोफेसर का काम करते सी, मतलब एज अ प्रोफेसर वो उत्थे टीच करते सी. उन्हां दा नाम की सी? अघोरनाथ चट्टोपाध्याय. ठीक है, ते उहदी मदर जी सी कौन सी? सुंदरी देवी, जिहड़ी कि एक बहुत ही फेमस बेंगोली पोएट है. ठीक है, ये बेंगोल दे रहण वाले सी सारी फैमिली, ते बेंगोली लैंग्वेज दे विच इन्हां दी मदर जिहड़ी आ पोइम्स लिखिया करदी सी, ते बहुत ज़्यादा फेमस पोएट ने उत्थों दे. शी वॉज़ द फस्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया. क्यों इसनों सब तो ज़्यादा याद किया जाता है इस लेडी नूं? क्योंकि यह इंडिया की पहली औरत है जिहड़ी कि गवर्नर बनी सी. गवर्नर एक बहुत ही उच्ची पोस्ट हुंदी है. हरेक राज दा एक गवर्नर हुंदा आ जिहड़ा कि उत्थों दे मुख्यमंत्री नूं दस्सदा कि किद्दां काम करना. लाइक ओह हरेक राज दा जिद्दां राष्ट्रपति हुंदा ना हरेक कंट्री दा, उदां ही जिवें ओह प्रधानमंत्री नूं दस्सदा किद्दां काम करना है, उदां ही गवर्नर दी पोस्ट हुंदी है. बहुत ही उच्ची पोस्ट हुंदी है. आफ्टर CM इह पोस्ट हुंदी है. ते यह इंडिया की फस्ट फीमेल गवर्नर है. पहली यह औरत है जिन्हों के फीमेल जिन्हों के गवर्नर बनाया गया सी. शी सर्वड इन इंडियन नैशनल कांग्रेस. तो यह जी इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी है उहदे विच भी काम कर चुकी है, उत्थे भी अपनी सेवा निभा चुकी है. शी टुक एक्टिव पार्ट इन फ्रीडम मूवमेंट. जिदा कि थानू पहले ही दस्सिया कि एक फ्रीडम फाइटर है, इसने बहुत सारिया आज़ादी दी लड़ाइया दे विच अपना योगदान पाया है. फोटो विच देख सकते हैं तुसीं कि महात्मा गांधी जी नाल ओह जा रहे ने. इसने सत्याग्रह, डांडी मार्च ते होर भी बहुत सारे जिहड़े आज़ादी दे अंदोलन होए ने गे उहनां दे विच अपना हिस्सा पाया है. शी वॉज पॉपुलरली नोन एज अ पोएट. शी रोट मैनी फेमस पोइम्स. शी वॉन मैनी अवार्ड्स. ठीक है, यह एक पोइट भी रही है. बहुत सारिया पोइम्स इन्होंने लिखिया. बहुत सारे जिहड़े पोलीटिशियनस ने इन्हां दी पोइम्स नूं पढ़दे आ इंस्पिरेशन लैंदे आ. ठीक है, तो इन्हां दी पोइम्स जिहड़ियां उह बहुत ज़्यादा फेमस ने गियां, तो इन्हां नूं इन्हां दी पोइम्स दे करके बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले ने. शी डाइड ऑन 2 March 1949 ड्यू टू हार्ट अटैक इन लखनऊ. शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द वूमेन्स. इन्हां दी मौत कदों हुई सी? 2 March 1949 नूं लखनऊ दे विच हार्ट अटैक आन करके इन्हां दी मौत हो गई सी. लेकिन ये फीमेल अज दियां औरतां हरेक औरत वास्ते एक इंस्पिरेशन है कि जिद्दां इसने अपनी लाइफ नूं एक बहुत वधिया तरीके नाल जिया, देश दे लई इन्ना काम कीता, इन्नी फेमस पर्सनैलिटी बनी है. तो हरेक औरत नूं ये तो इंस्पिरेशन लैके अपनी लाइफ नूं वधिया तरीके नाल जीना चाहिदा है, तो दुनिया दे लई काम करना चाहिदा है. शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल. सो ये सी अपनी अज की एक फेमस पर्सनैलिटी सरोजनी नायडू. आई होप थानू इन्ना बारे जान के बहुत खुशी हुई होएगी.